अस्सलाम वालेकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूं साद अंजुम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। कहते हैं, हमारे खिलाफ जो अदालती फैसला आया उसे हमने मनोअन कबूल किया, मगर इस फैसले को तारीख और आवाम कबूल नहीं करते। मुझे ना अहल करना ही था तो साफ साफ बता दिया जाता, आइंदा इंतखाबात में आवाम फैसला करेंगे कि अहल कौन है और ना अहल कौन। उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। नवाज शरीफ का पार्टी सदर मुंतखब होने के बाद खिताब। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अगर फर्द जुर्म आयद हो चुकी तो हुक्म कैसे मुअत्तल करें, जस्टिस अतर मिनुल्ला की रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत गैर मामूली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, बड़े फैसलों का इम्कान। कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी मामलात पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका को आर्मी चीफ के दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। नून लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन बरतरफ, वजीर आजम नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। इलेक्शन तरमीमी बिल की कौमी असेंबली से मंजूरी के बाद नवाज शरीफ की पार्टी सदारत में हाइल, तमाम रुकावटें खत्म हो चुकी थी। भारतीय फौज की हट धर्मी और जारहियत जारी, एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, एक शहरी शहीद जबकि चार अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब, दो भारतीय चेक पोस्टें तबाह, वीडियो भी जारी कर दी गई। इंतखाबी इस्लाहात बिल की मंजूरी, पाकिस्तान में जमहूरियत की तारीख का स्याह तरीन दिन है, आइन का मजाक उड़ाया गया। इंतखाबी तरमीमी बिल एक ना अहल और करप्ट शख्स को सियासी जमात का सरबरा बनने की इजाजत नहीं देता, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। इमरान खान ने हमेशा झूठ बोला और मुल्क की तरक्की को रोकने की बात की, वो मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिले हुए हैं। इमरान खान को इलेक्शन बिल पार्लियामेंट से मंजूर होने पर मेरी तरफ से मुबारकबाद, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगु। इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की गई। इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम का नया कानून बदनीयती पर मबनी है, आईन के बुनियादी ढांचे और उसकी रूह के मनाफी है, दरख्वास्त का मतन। कौमी असम्बली में कायदे हिज्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शागी चेयरमैन नैब के हवाले से गुफ्तगू। कहते हैं, मैंने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए मुशावरत की है और उम्मीद है कि जल्द किसी नाम पर इत्तफाक हो जाएगा। अफगान फोर्सेस की बड़ी गलती, अपनी ही फौज पर बमबारी कर डाली, बमबारी के नतीजे में 10 अफगान फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अफगान फोर्सेस की जानिब से वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई। और अमरीकी शहर लॉस वेगास में मुनक्किद कॉन्सर्ट में फायरिंग, हलाकतों की तादाद 59 तक पहुंच गई जबकि 527 अफराद जख्मी हैं। कॉन्सर्ट पर हमला करने वाले शख्स का नाम स्टीफन पैडॉक था, जो एक मालदार साबिक अकाउंटेंट था और रिटायरमेंट के बाद वीरान जगह पर रिहाइश पजीर था। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में वापसी होगी एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा।